हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है रामनवमी और मैं करने जा रही हूँ रामनवमी की पूजा। तो मैंने नहा लिया है और हस्बैंड भी नहा लिए हैं और जो आदि है वो अभी नहा रहा है। तो मैं अभी पूजा करने जाती हूँ और आप लोग देखिए मैं कैसे कैसे पूजा करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने किस तरह से पूजा की आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में आएगा बेल आइकन, उस पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए चलते हैं पूजा करने और आप भी आइए हमारे साथ पूजा में शामिल होने के लिए। जो हस्बैंड जी हैं उन्होंने पहले ही पूजा कर ली थी क्योंकि आज के दिन बजरंग बली और देवी माँ दोनों लोगों का पूजा होता है। तो हमारे यहाँ बजरंग बली का पूजा आज के दिन जेंट्स लोग ही करते हैं और फिर ये देवी माँ का पूजा मैं बाद में करती हूँ। तो इसीलिए जो है हस्बैंड ने पहले पूजा की और उसके बाद में मैं पूजा कर रही हूँ। और जब वो आरती गा रहे थे उस टाइम हम लोग तीनों लोग आरती में शामिल थे, मैं, आदि और मेरे हस्बैंड। बट उस टाइम मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आप भगवान की ध्यान में रहते हो तो फिर उस टाइम कोई भी चीज़ की ध्यान ही मतलब याद ही नहीं रहती है। तो बस उस टाइम हम लोग आरती में ही हो गए थे, मतलब कि बिजी हो गए थे कि वीडियो कैप्चर नहीं किए। तो बस यहाँ पे अब मैं पूजा कर लूँगी और मेरे पूजा और प्रणाम करने के बाद फिर आदि भी करेगा। और फ्रेंड्स, मैं आदि को हर पूजा में शामिल इसलिए करती हूँ ताकि वो हमारे ट्रेडिशन, हमारी जो सभ्यता है और हमारे जो रीति रिवाज है उन सब के बारे में वो अच्छी तरह से जान सके। फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पे ये देखिए अब मैं खा रही हूँ प्रसाद। और ये देखिए मैंने पूजा का सिंदूर लगाया है और अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। तो मैं खाने में क्या क्या बनाती हूँ अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। देखती हूँ रेसिपी शेयर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, बट ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ या फिर आज मैंने क्या बनाया। तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मैंने बनाई थी पूड़ियाँ और चने की सब्ज़ी और खीर बनाई थी, बट मैं खीर का भी नहीं शेयर कर पाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए ये हैं विटामिन सी की गोलियाँ जो अभी हम लोग खा रहे हैं क्योंकि अभी कोविड की वजह से हमें थोड़े से प्रिकॉशन लेने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन सी की गोलियाँ हम लोग डेली एक बार खाते हैं। अभी अभी देखिए हस्बैंड दिए तो हमने खाया और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के बस थोड़ा सा इसी तरह चिल मार रहे थे क्योंकि सुबह से हम लोग नहा मतलब कि नहाने धोने पूजा करने उन सब चीज़ों में बिजी थे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सुबह में क्या बनाया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मैंने
खीर बनाई थी और मैंने इसमें सिर्फ बादाम डाले थे। और ये है पूड़ियाँ, क्योंकि मतलब आज के दिन ना पूड़ियाँ तलनी शुरू हो जाती हैं, आज से 8 दिन तक तो ये सारा चीज़ बंद ही था। तो ये देखिए, ये है पूड़ियाँ। और मेन बात है ना कि ये पूड़ियाँ, खीर और जो चने की सब्जी है वो माता रानी का प्रसाद होता है। तो इसीलिए आज रामनवमी के दिन, यानी कि नवमी के दिन हम यही बनाते हैं। तो आज रामनवमी भी है और देवी माँ का नवमी भी है, तो जिसके चलते हमें दोनों चीज, दोनों क्या मतलब कि एक ही चीज़ सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं। सारे भगवान तो एक ही होते हैं, बट अपना अपना मानना डिपेंड करता है। और ये देखिए, ये वो थालियाँ थी जो हमने अभी खाया। और ये आदि जो है अब करने लगा है अपनी पढ़ाई, क्योंकि सारा दिन हम लोग वही पूजा, खाने पीने वही सब में बिजी थे। और अभी तो दिन ही है, अभी शाम नहीं हुई है, बट ये लोग देखिए दिन में क्या खाते हैं। ये लोग जो खाएंगे वही मैं बना दिया करूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी अपने मोबाइल में बिजी हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ी चाय लेकर आई हूँ, तो वो भी पी रहे हैं और मैं भी पी रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा सुबह से ना हमने बस एक बार ही चाय पिया था, उसके बाद चाय नहीं पिए थे हम लोग, थोड़े से बिजी हो गए थे। तो बट अभी रिलैक्स मूड में हम लोग चाय पी रहे हैं। और अभी मैंने हस्बैंड और आदि से पूछा कि वो लोग क्या खाएंगे, तो उनका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि चलो मैं कुछ बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चावल वगैरह मत बनाओ, अगर आटा है मतलब बचा हुआ है तो बस वही सब्जी, सॉरी रोटी बना दो, अभी हम लोग चावल नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं वही बना देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बारिश और इतने बादल और इतनी हवाएं अभी चल रही थी, मैं उस टाइम वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाओं का हम लोग थोड़ा सा मतलब कि मज़ा ले रहे थे। और बस आदि जो है वो पहले खा लिया, और यहाँ पे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ खा रहे हैं, और मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई हैं, जो सब्जी है वो तो थी ही, और बस यही हम लोग अब देखते हैं कि रात में क्या बनाती हूँ क्या नहीं। बट मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं अपनी आज की ये ब्लॉग यहीं पे इसलिए ख़त्म कर रही हूँ कि मैं ना थोड़ी सी थकी थकी फील कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं थोड़ा सा खाने वगैरह के बाद मैं थोड़ी सी आराम कर लूँ, क्योंकि अभी सिंक में बर्तन भी भरे हुए हैं, तो मुझे वो सारे बर्तन भी धुलाई करने हैं और पूरा किचन भी क्लीन करना है। तो मैंने सोचा कि उन सब चीज़ों का वीडियो मैं कैप्चर नहीं करूँगी, वरना फिर आप लोग भी बोर ही हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोर हो मेरी वीडियो देखकर। और बस फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।